ना तो भाई अमेरिका हाँ इंडियंस अभी भी यही समझते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर इकॉनमी देयर ह्यूज पॉपुलेशन मेजर मार्केट बिग मार्केट मेजर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी तो ये इन सब फैक्टर्स की वजह से दे विल गेट थ्रू वॉट एवर क्राइसिस देयर गेट अवे विद एनीथिंग एट ऑल जी जी सो ये तो है लेकिन आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट बांग्लादेश प्लीज 16 अक्टूबर दिस इज द राइट टाइम ये वक्त आ गया है कि हम बंगालियों से बीडी के लोगों से हम माफी मांगे हमने सिर्फ अफसोस किया है अब माफी मांगने का भी वक्त आ गया है ये क्योंकि हमारा कोई कंफ्लिक्ट इस वक्त बांग्लादेश से कोई नहीं बल्कि सर दे हैव कंडेम्ड बांग्लादेश के तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कंडेम किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये तो कह रहा हूं मैं कि ये मौका बहुत तो अच्छा है कोल्ड एक बड़ी उनके सर्द तालुकात हो गए ये मौका बहुत ही अच्छा है टू ब्रिंग गेट बांग्लादेश बैक इन टू अवर कैंप इन टू अवर एम्ब्रेस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ फिर इंटीग्रेट हो जाना चाहिए लेकिन टुडे इज द राइट टाइम क्योंकि उनके साथ इंडिया के साथ कंफ्लिक्ट शुरू हो गई जी तो जी, ये सही वक्त है कि हम माफी मांगे उनसे लेकिन बांग्लादेश का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में यहाँ के वेस्ट पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है 1905 में बांग्लादेश को बंगाल को डिवाइड किया गया था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में ज्यादातर मुसलमान थे तो वेस्ट बंगाल के हिंदुओं ने एजिटेट किया फिर 1911 में वो फिर उसको अनुल किया गया सेपरेशन को लेकिन 1995 में जब सेपरेशन हुई ईस्ट बंगाल की तो वहां मुस्लिम मेजोरिटी ने 1906 में मुस्लिम लीग लॉन्च किया ढाका में लेकिन क्या वो गलती खत्म होगी वो तो प्रिजन और 1940 में वही बता रहा हूँ 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन जो मूव किया था वो मौलवी फजलुल हक ने मूव किया था बंगाल के